राधे राधे, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। आप सभी दर्शन कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर गलियों के, और कोविड 19 की जो दूसरी लहर इस समय हमारे देश भारत में चल रही है, उसकी वजह से श्री बांके बिहारी जी मंदिर की गलियां भी बिल्कुल खाली हैं। जहां पर कभी बहुत सारी भीड़ रहती थी, और आप देख रहे हो कि पूरी गली खाली है इस समय। बांके बिहारी जी के मंदिर में भी भीड़ नहीं है। कोरोना के कारण, कोरोना का जो प्रभाव इस समय पूरे भारत पर है, और जो गाइडलाइन आई है कोरोना के कारण, उसके कारण भी दर्शनार्थी वृंदावन नहीं आ रहे हैं। और बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर का भी नजारा आप देख रहे हैं, गेट भी खाली है, और मैं अभी आपको चबूतरा भी दिखाऊंगा, वो भी पूरा खाली है। बांके बिहारी जी मंदिर से एक गली राधा वल्लभ जी की ओर जाती है, वो भी पूरी खाली है। इन गलियों में कभी इतनी भीड़ रहती थी कि आप सभी जानते हैं। धन वृंदावन धाम है धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। तो आप सभी देख रहे हैं वृंदावन की कुंज गलियों को, बांके बिहारी जी मंदिर की कुंज गलियों को, जो कोरोना के कारण इस समय पूरी खाली हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर चबूतरा पर भी पहले भक्ति भक्त दिखाई देते थे, और इस समय एक दो भक्त हैं बस। और बांके बिहारी जी मंदिर के द्वार के भी आप दर्शन कर रहे हैं, भक्तों की लाइन यहां पर लगी रहती थी, हर समय भक्तों का तांता लगा रहता था। सभी गेट बांके बिहारी जी के बिल्कुल खाली हैं इस समय। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। और अब हम मंदिर के अंदर भी चलेंगे और बांके बिहारी जी की चौखट पर प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना महामारी से सभी की रक्षा करें। आप सब भी मेरे साथ बोलना, यस्मात् सुखैक सदनान मदनारी मुख्या, सिद्धिम समीरुतलाम सकलांग शोभाम, तम शुद्ध बुद्धि शुभ वृद्धि समृद्धि हेतुम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रबद्धे, यस्मिन मनो विनीतम भवति प्रसन्नम, खिन्नम कदींद्रिय गणपे यद्धि शन्नम, तम वास्तव इस्तम निरस्त समस्त दुखम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रबद्धे। श्री बांके बिहारी जी सभी के दुखों को दूर करें और सभी की रक्षा करें, यही प्रार्थना हम सब बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर करते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी राय देना। कुंज बिहारी श्री हरदास।